1960 से 80 तक का दशक हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए गोल्डन एरा माना जाता रहा है। और भाई माने भी क्यों ना, इसी दौर में तो मानो कुदरत ने अपने सारे रत्न एक साथ फिल्म इंडस्ट्री को दिए थे। आपको याद है ये सुपरहिट गाने बहना ने भाई की कलाई में, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, दिल ने फिर याद किया, न तुम जानो न हम, दिल गम से जल रहा है, मेरे संग गा, मेरे महबूब न जा, जो हम पे गुजरती है। ये सारे गाने सुनते ही आपको लेजेंड लता मंगेशकर की ही याद आई होगी, है ना। चलिए पहले एक किस्सा सुन लीजिए। आपको यकीन नहीं होगा कि ये गाने लता मंगेशकर ने नहीं बल्कि किसी और महान गायिका ने गाए थे, जिन्हें आज तक आप लता मंगेशकर के ही गाने समझते आए हैं। 80 के दशक के अंतिम वर्षों में से किसी एक साल की बात है, टीवी पर दूरदर्शन का लोकप्रिय शो छाया गीत प्रसारित हो रहा था। गाना आता है नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। शो की प्रथा के अनुसार होस्ट गायकों का नाम बताते हैं, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। प्रसारण खत्म होता है, कुछ समय बाद प्रसार भारती के दफ्तर में टिंग टिंग फोन बजता है। फोन करने वाली थी 20 वर्षीय चारुल कल्याणपुर। चारुल उन्हें बताती हैं कि ये गीत लता मंगेशकर ने नहीं बल्कि उनकी माँ सुमन कल्याणपुर ने गाया है। जी हाँ, सुमन कल्याणपुर। लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया, कोई करता भी कैसे, जब खुद कई बार लता मंगेशकर जी के सहायक और उनके करीबी मिलने वाले भी उनकी और सुमन जी की आवाज के बीच धोखा खा जाते थे। ईद से पहले मेरी ईद सुमन कल्याणपुर वो नाम है जो फिल्म इंडस्ट्री में लता मंगेशकर की हुबहू आवाज के लिए पहचाना जाता है, और यही उनकी नाकामी की वजह भी रही। हालांकि पब्लिक में मोहम्मद रफी और सुमन के गाए गाने खूब चले, शायद उस वक्त किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि जिस आवाज को वो सुन रहे हैं वो लता मंगेशकर की तो है ही नहीं। पॉपुलर डिमांड के चलते सुमन कल्याणपुर ने रफी साहब के साथ 140 से ज्यादा गाने गाए और नाम लता मंगेशकर का हिट होता रहा। लोग यही समझते रहे कि ये गाने लता मंगेशकर ने ही गाए हैं। पार्श्व गायिका की हिंदी फिल्म संगीत में दशा दोधारी चाकू की तरह रही है, जो दोनों ओर से चीजों को काटता है। अपनी अच्छी आवाज के बावजूद सुमन को फिल्मों में संगीतकारों ने ज्यादा अवसर इसलिए नहीं दिए क्योंकि उनकी आवाज हुबहू लता से मिलती थी। जब बाजार में ओरिजिनल आवाज उपलब्ध हो तो डुप्लीकेट को कोई क्यों मौका देने लगे। सुमन का फिल्मों में आगमन भी ऐसे दौर में हुआ जब लता के खनकते कलदार सिक्के चलते थे। कोई संगीतकार लता के विरुद्ध सुमन से गवाने की हिमाकत भला कैसे कर सकता था, इसीलिए सुमन चुपचाप हमेशा दूसरी कतार में खड़ी होकर अपनी नियति को दबे होठों ताउम्र स्वीकार करती रही। उन्हें तो लता का क्लोन बना दिया गया। एक बार ऐसा भी हुआ कि HMV ने 50 प्रेम गीतों के 4 कैसेट जारी किए थे, उनमें से ज्यादातर 7 गाने सुमन के द्वारा ही गाए हुए थे। किशोर, रफी, तलत, मन्ना डे, गीता दत्त, हेमंत कुमार सब उनके पीछे थे, लेकिन कैसेट कवर पर सबके फोटो छापे गए, सुमन का फोटो उस कैसेट पर नहीं था। ये कुछ उसी तरह की घटना है कि आपके पास टिकट होने के बावजूद बस कंडक्टर आपको सरेरा बस से उतार दे। आइए अब जानते हैं सुमन कल्याणपुर के बारे में। 28 जनवरी 1937 को ढाका में, जो कि उस वक्त भारत का एक बड़ा हिस्सा रहा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बड़े बाबू शंकर राव हेमाड़ी के यहाँ उनकी पहली संतान ने जन्म लिया। शंकर बाबू और उनकी पत्नी सीता ने अपनी पुत्री का नाम सुमन रखा। सुमन के अलावा शंकर बाबू के यहाँ 5 संतानें और हुई। उनकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से हो पाए इसलिए शंकर बाबू परिवार के साथ 1943 में मुंबई आ गए। सुमन का रुझान बचपन से ही पेंटिंग और म्यूजिक की तरफ था, इसी के चलते स्कूल के बाद ग्रेजुएशन में भी उन्होंने आर्ट्स की। वो पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन सुमन जी की आवाज की परख उनके पड़ोसी और पिता के दोस्त पंडित केशव राव भोले को हो गई।
उन्होंने सुमन के पिता से सुमन को संगीत सिखाने की बात कही। पहले तो सुमन शौकिया ही संगीत सीख रही थी, लेकिन समय के साथ साथ संगीत में उनकी रुचि बढ़ने लगी। संगीत को अब वो और गंभीरता से सीखने लगी। आने वाले सालों में सुमन ने उस्ताद खान, अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से भी संगीत की बारीकियां सीखी। सुमन कल्याणपुर ने हिंदी मराठी फिल्मों में 1000 के आसपास गाने गाए। हिंदी मराठी के अलावा गुजराती, मैथिली, तमिल, भोजपुरी, पंजाबी जैसी कई भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।